टेक निकल सहायता के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हो मनीष टैग गुरु चैनल को। दोस्तों आज इस वीडियो में यूएसबी एम्पलीफायर वीडियो प्लेयर किट के कलेक्शन करेंगे और दोस्तों साथ ही इसको हम रिपेयर करना सीखेंगे। दोस्तों मुझे बहुत से भाइयों ने कमेंट किया था और पूछा था दोस्तों ये कार्ड रिपेयर हो सकता है कि नहीं, तो दोस्तों आज इस वीडियो दोस्तों हम कलेक्शन भी सीखेंगे और साथ ही दोस्तों इसको रिपेयर करना भी सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देख लीजिए दोस्तों, ये है हमारा MP5 वीडियो प्लेयर किट। दोस्तों इसके बारे में दोस्तों मुझे कमेंट भी काफ़ी सारे मिल रहे हैं। दोस्तों इसके फुल्ली कनेक्शन नहीं समझ पाए हैं, किसी के दोस्तों कनेक्शन अदरवाइज तरीके से है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको सारी चीज़ के जो डाउट है दोस्तों, जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों इसको मैं थोड़ा रिपेयर करने भी दोस्तों बताऊंगा, जिसको दोस्तों रिपेयर कैसे करते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा दोस्तों ऐसे कार्ड है तो सही, लेकिन कोई दोस्तों इसको रिपेयर करना नहीं जानता है दोस्तों। हालांकि दोस्तों मैं भी नहीं आता हूं, लेकिन दोस्तों आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे दोस्तों आपको ये रिपेयर करना है। दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों अभी इसके कनेक्शन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये तो कुछ अभी लेटेस्ट इसका जो किट है, और दोस्तों जो पुरानी किट आती थी दोस्तों उसमें कुछ अदरवाइज और भी पैनल दिए गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ उसको कैसे कनेक्शन करने और किस किन चीज़ों का ध्यान रखना है कनेक्शन करते। तो चलिए दोस्तों हम इसके कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको 6 पिन का, ये 6 पिन का एक सॉकेट मिल जाएगा दोस्तों, और साइड में दोस्तों 2 पिन का। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी अगर आपके उसमें और भी जगह है तो दोस्तों उनको आपको नहीं छेड़ना, लेकिन आपको ये और ये इन दोनों से मतलब। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर आपको पहली चीज़ इस पर यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों आपको वीडियो। यहाँ पर दोस्तों आपको लिख रहा है वीडियो आउट, आपको साफ साफ दिख रहा होगा दोस्तों वीडियो आउट। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से आपकी वीडियो आउट होगी, मतलब आपकी वीडियो स्क्रीन पर शो कराएगा। फिर दोस्तों इसके नीचे एक GND, मतलब इसको ग्राउंड देना पड़ेगा वीडियो आउट के लिए। दोस्तों यहाँ से इसको ग्राउंड देना पड़ेगा दोस्तों अभी। और फिर इसके बाद दोस्तों नीचे ऑडियो लेफ्ट, फिर दोस्तों इसके नीचे ग्राउंड है ODOAL, मतलब ऑडियो लेफ्ट होता है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। और ये दोस्तों नीचे फिर इसके बाद ग्राउंड है, फिर दोस्तों ऑडियो राइट, इसके बाद दोस्तों ऑडियो राइट और लेफ्ट। दोस्तों मतलब हम इसमें जैसे हमारी 3 लीड लगती है दोस्तों, एक ऑडियो लेफ्ट होती है, एक ऑडियो राइट होती है, और दोस्तों एक वीडियो की होती है। इस तरीके से दोस्तों इसमें दे रखा है। फिर दोस्तों इसके बाद म्यूट, और दोस्तों हम तीनों का ग्राउंड चाहे तो सेव कर सकते हैं तीनों जो, और इसका भी दोस्तों जो 5 वोल्ट है इसका भी दोस्तों ग्राउंड, सभी का ग्राउंड दोस्तों GND, मतलब सभी का ग्राउंड सेम होता है। चाहे आप कुछ भी मतलब तीनों का एक लगा दीजिए, चाहे दोस्तों आप यहाँ से अलग अलग इसके कनेक्शन दे दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये तो दोस्तों इसकी थी कनेक्शन, और दोस्तों इसके बाद अदरवाइज कोई भी चीज़ आपको नहीं छूना है दोस्तों। अगर आपको FM भी सुनना है इसमें दोस्तों, यहाँ पर आप एंटीना का वायर लगा, जिसको दोस्तों हमें सिर्फ एंटीना का वायर ऐसे छोड़ देंगे, लेकिन दोस्तों इसमें हम कोई कनेक्शन कुछ लाइट वगैरह कुछ नहीं देंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको 5 वोल्ट दे रहे हैं, ध्यान रखना दोस्तों हमें सिर्फ 5 वोल्ट दे रहे हैं। या दोस्तों आप चार्जर से दे दो, या फिर 7805 IC आती है 12 वोल्ट से कन्वर्ट करके 7805 IC से कनेक्शन दे देना है, और ठीक है दोस्तों। तो ये तो दोस्तों इसके थे कनेक्शन की बात। अब दोस्तों इसके हम रिपेयर की बात करते हैं। तो दोस्तों वैसे तो ये रिपेयर नहीं होता, लेकिन दोस्तों मैं कुछ अगर आपको टिप्स देता हूँ दोस्तों, जिससे दोस्तों आपका काम बच जाएगा। जैसे दोस्तों जैसे ये चीज़ ख़राब हो जाती है दोस्तों, तो आपका कभी रिपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों हम ये डाल ही नहीं पाएंगे। इसमें से अगर धुआं निकल जाए, इसमें से धुआं निकल जाए, ये इसमें से धुआं निकल जाए, ये दोस्तों जब होता है जब इसमें ज़्यादा वोल्टेज दे देते हैं 5 वोल्ट से ज़्यादा, तो उसमें बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। आप सबसे बढ़िया दोस्तों मोबाइल के चार्जर से आप करंट दे दो, सबसे बढ़िया रहता है, जिससे दोस्तों आपको 5 वोल्ट कनेक्शन मिलेंगे और दोस्तों आपको एकदम बढ़िया तरह कार्ड वर्क करेगा। या फिर दोस्तों 7805 IC से भी कनेक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों अब ये तो दोस्तों अगर फूक जाए तो दोस्तों ये तो हम इससे काम नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी मेन बात ये है दोस्तों, जब भी दोस्तों आप करंट देते तो आपको देखो यहाँ पर एक ये कैपेसिटर सा, ये कुछ डायोड या कंपोनेंट सा लगा दोस्तों आपको। दोस्तों अगर ये दोस्तों यहाँ से जैसे आप लाइट दे रहे हैं, जैसे हमारा डेड हो चुका है, लेकिन दोस्तों अगर हम इसको तोड़ दें और इसकी दोस्तों लाइट सीधी कर दें, मतलब शॉर्ट कर दें इसको, तो दोस्तों हमारे कार्ड में अंदर लाइट शुरू हो सकती है दोस्तों, यहाँ से उसको लाइट मिल सकती है, तो इससे दोस्तों हमारे कार चालू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों ये चीज़ आपकी ख़राब नहीं हुई है तो दोस्तों, ये ख़राब हुई तो दोस्तों आपको दिख जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों आपको धुआं सा या दोस्तों कुछ ना कुछ छेद वगैरह सा दिखाई देगा दोस्तों, ये हमें फूका हुआ लगेगा,
तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों अगर ये लाइट यहाँ से पास नहीं हो रही तो दोस्तों इसको हमें तोड़ देना है। इसको दोस्तों शॉर्ट कर दो, लाइट पास हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको फिर भी काम नहीं करता है दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें हम 5 वोल्ट देंगे। फिर दोस्तों आपको हाथ से ऐसे देखना है, जिस जगह दोस्तों हीट हो रहा हो, आपको जो चीज़ हीट लगे, जैसे दोस्तों आपको ये हीट लग रहा है, ये हीट लग रहा है, इसमें से कोई भी चीज़ आपको हीट लगती है उसको तोड़ देना है। फिर दोस्तों इसके बाद दोस्तों इसको शॉर्ट कर देना है, जिससे दोस्तों आपका कार चालू हो जाएगा। वैसे दोस्तों खराब ही हो चुका है, लेकिन इस तरीके से दोस्तों कार चालू हो जाता है। दोस्तों मेरे पास एक वो म्यूजिक ऐप ब्लूटूथ का था, लेकिन उसमें दोस्तों वो मेरा इसी तरीके से खराब हो गया था, लेकिन मैं तो उसको दोस्तों रिपेयर कर लिया था इसी तरीके से। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये भी दोस्तों रिपेयर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।